चलो ठीक है ठीक है ठीक है। 20 फुट इसकी चौड़ाई है और 20 फुट इसकी लंबाई है। व्यूअर मैंने सुटवानी है यहाँ पे 5 ट्रालियां की मैंने बना ली हैं पर्चियाँ। अब एक ट्राली आएगी उसको एक पर्ची दे दूंगा, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 5 ट्रालियां 5 पर्चियां है मेरे पास। एक ना बस बस इतने ही साढ़े। तो व्यूअर सजाद भाई भी आ गए हैं तैयारी शैरी करके। सजाद भी है पर्ची, एक ट्राली रहा है बस। फिर 5 ट्रालियां हमने सटवा दी हैं, 4 अभी आ गई हैं, 1 रहती है। हाँ जी, तो व्यूअर ट्रालियां वगैरह सटवा के मैं वापस आ चुका था और वहां पे हमने बनानी है शॉप और सोच रहे हैं कि किस चीज की बनाएं, चाय वाला होटल लगा लें या आटे वाली चक्की लगा लें, क्या चीज लगाएं कमेंट्स में आप सबने बताना है, या कोई किराना स्टोर बना लें, क्योंकि व्यूअर सावल जो है वो सिर्फ एडिटिंग करता है, बाकी उसके पास कोई काम नहीं होता। मैंने कहा चलो एडिटिंग भी करता रहेगा और शॉप पे बैठकर मतलब की शॉप भी चलाता रहेगा। तो आप सब इसके बारे में क्या कहते हैं कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सब कैसे हैं, माह रमजान के आखिरी अयाम चल रहे हैं, माह रमजान जो रौनकें मस्जिदों में घरों में अफतारी सहरी रौनकें लेकर आया था, आज माह रमजान के चंद अयाम बचे हुए हैं। देखते हैं पाकिस्तान में 30 रोजे करते हैं या 29 करते हैं, आज है 28वां रोजा और देखते हैं कि अपना कल को ईद करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान में पता तो नहीं होता, पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि अशा की नमाज के बाद तरावी भी पढ़ ली थी और रात सो गए थे, सुबह उठे थे पता चला कि यार कल को ईद है। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पाकिस्तान की। तो आप देखते हैं क्या होता है, तो वेट करते हैं। अभी फिलहाल मैं और भाभी जाने लगे हैं इफ्तारी पे, वहां से वापस आके फिर देखते हैं क्या प्लान है। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी सी ब्रेक के बाद। मैं थोड़ा सा मुंह शू धो लूं, असर की नमाज पढ़ लूं, उसके बाद फिर निकलते हैं। ओए होए होए होए, आज तो शहजादी ने तैयारी की हुई है माशाल्लाह। तो आज देखें शहजादी ने तैयारी की हुई है, करीम वाला की बेटी ने। अभी हम वहां जा रहे हैं, हुज़ैफ़ा तू वेनी इकुराकचा बट में गुराकचा। और इधर इस्माइल जो है वो गाड़ी को साफ कर रहा है क्योंकि हम जाएंगे कार पर, मोटरसाइकिल का थोड़ा सा काम होने वाला है, मोबाइल चेंज होने वाला है, इसीलिए मोटरसाइकिल पे नहीं जा रहे। मैं और भाभी जा रहे हैं गाड़ी पे। अभी टाइम थोड़ा रहता है, टाइम आप खुद देख लें क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने अफ्तारी करवानी है ना, इसीलिए थोड़ा लेट जाएंगे। कितनी देर है सही सही देख टाइम क्या है यार, एक साफ कराने कितनी दे रहे आधा घंटा। चलो ठीक है, आधा घंटा लगता पे, आधा घंटा लगता पे जो आने को साफ करके वाल निकलते हैं सीधे अफतारी दे। भाई जाने और दिखा लो, और दिखा लो, और दिखा लो। थैंक यू सो मच। मुंह बड़े रहे हैं पास कल में शादी थी गई सारे ने सोने सुतरे कपड़े हैं, एक मैं फकीर नहीं चमड़ी लगती मेरी सारी जिंदगी वे क्या मसला है देखो यार कुत्ते डेना गाड़ी दा। हां मुज़फ़्फ़ा ए कौन है, कौन बेटे कौन है। व्यूअर थोड़ा सा सफर था तकरीबन 1.5 किलोमीटर, तो बस थोड़ी देर तक पहुंचने लगे हैं हम। वहां पे पहुंच के आप लोगों के साथ माहौल शेयर करेंगे। और इधर हुज़ैफ़ा देखें, पहले ये चढ़ता ही नहीं था गाड़ी पे, जब भी करीब आता रोने लग पड़ता था, अब हिलका हो गया ऐसा ऐसा। हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा किधे में ना पाई, किधे में ना पाई। आते ही माशाल्लाह से देखें फसलों के दरमियान में एक मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे नमाज अदा की है और यहाँ पे एक देग बन रही है अफतारी के लिए, और क्लोज क्लोज मतलब रिश्तेदारों को बुलाया है। इसी पुन्नु है कैम दिन और हम तकरीबन 5वीं तक इकट्ठे पड़े हैं, और मुझे 1, 2, 3 और गिनती जो है इस बंदे ने सिखाई थी, याद है। देख विवर ये मुझे नकल भी करवाता था और सिखाता भी था, जिस दिन मुझे ना आती थी ना मतलब कि अगर गिनती ना आती, टोक में हम कहते थे उस ज़माने में ना, गिनती को टोक में कहते थे, तो मैं लिख रहा होता था, जिस दिन मुझे ना आते तो ये मुझे नकल मरवाता था। तो हमारे उस्ताद हुआ करते थे मालिक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत जगा दे, वैसे मालिक साहब, हाकिम साहब, कौसर साहब, यू नो तुम्हारी बाण गया सही।
माना पे बड़े ना तोड़ी ना याद है अभी वो भाई नमाज पढ़ रहे हैं جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكن حسبي الله لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم قل يا छोड़ दे तू हाँ जी। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह रोजा खोल के अफ्तार करके हम आ चुके थे घर, अभी घर पहुंचे हैं और अम्मी कह रही हैं कि सिस्टर को जाननी है ईद देने के लिए, सिस्टर को और फूफी को। अम्मी जो है वो सामान लेने के लिए गई हैं अंदर से, पहले रखा हुआ है ना लेके, तो ईद देनी थी इसीलिए अभी जाना है ईद देने के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वही पहुँच कर अभी रोजाफा के काम देखे। ओ अस्सलामुअलैकुम अम्मी, बना के जी सौदा वगैरह। तो व्यूअर आप लोग देते होंगे चॉकलेट और डेयरी मिल्क वगैरह, हम तो देते हैं राशन वाली ईद। अम्मा सिस्टर दी केड़ी ईद है ते फुफो दी केड़ी है? ए सिस्टर दी है ते ए फुफो दी है, माशाल्लाह। तो व्यूअर हम थोड़ा सा राशन देते हैं और साथ में थोड़े से पैसे देते हैं। आप लोग कैसे ईद देते हैं कॉमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो व्यूअर अम्मी बच्चे भाभी हम सब ने जाना है इसीलिए जा रहे हैं हम गाड़ी पे। अगर मैं और अम्मी ने जाना था तो फिर जाते मोटरसाइकिल पे। ओ भाई मोटरसाइकिल दरवाजे लाख शक ले आ मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोटरसाइकिल हटा आगू। तो व्यूअर अभी जाने लगे हैं सिस्टर के घर, वहां पहुंच के आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो फिलहाल मैं कर लूँ ड्राइव, लेट्स स्टार्ट विद अस। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ड्रॉ पे प्यारा सा कमेंट। चलो उठो अम्मी, उठो 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 उठो, ठीक है सही, चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है अल्लाह हाफिज। हाँ चाबी कितना भाई, चाबी जीतू को तो बता।